नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर में मछली संतरा पार्टी के बाद अब केक पार्टी का वीडियो सामने आया है। वीडियो की शुरुआत में मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव से कहा कि आज मैं आपके लिए सरप्राइज लाया हूं। तेजस्वी यादव ने पूछा कि किस चीज के लिए। मुकेश सहनी ने केक दिखाते हुए कहा कि आज हम लोगों की 200 चुनावी सभा पूरी हो जाएगी। 200 चुनावी सभा पूरी होने की खुशी में हम लोग आज केक काट रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में हम लोगों ने 250 सभाएं की थी। इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि इस लोकसभा में भी हम लोग 250 पार कर जाएंगे। तेजस्वी यादव ने पूछा कि आपको केक का आइडिया कहां से आया, तो सहनी ने कहा मैं चाहता हूं कि कुछ नया करें और लोगों को मिर्ची लगे, इसलिए केक काट रहा हूं। हम लोगों का भाईचारा देखकर विरोधियों को मिर्ची लग रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह केक बिहार की जनता के लिए है, इतनी गर्मी में भी बिहार की जनता हम लोगों को सुनने आ रही है। इस पर संविधान, लोकतंत्र और गंगा जमुना तहजीब को बचाना है, गरीबी को हटाना है, समर्थन देने वाली जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। इसके बाद तेजस्वी और सहनी ने मिलकर केक काटा। दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। दोनों के साथ हेलीकॉप्टर में संजय यादव भी मौजूद थे। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार की जनता को यह केक हम लोग खिला रहे हैं, जो हम लोगों से जल रहे और नफरत कर रहे हैं उन्हें भी यह केक खिला रहे हैं। नफरत के बाजार को खत्म कर हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी और मुकेश सहनी के केक पार्टी के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि अगर वह केक काट रहे हैं और खा रहे हैं तो इसमें दूसरों को क्या लेना देना है। अपना हेलीकॉप्टर में मुर्गा खाएं, इससे दूसरों को क्या मतलब। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और फैसला जनता को करना है, जिसने हम लोगों के पक्ष में फैसला कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का केक काटते हुए हेलीकॉप्टर का वीडियो। आज आपके लिए हमने सरप्राइज लाया है, रखा है। किस बात का? कुछ है सरप्राइज? अरे कुछ बताइएगा तब तो। ये क्या है? ये आज केक है और हम लोगों का 200 सभा आज होना है तकरीबन। अच्छा। और आज 205 हो जाएगा, पूरा करेंगे तो। इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि केक काटा जाए। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार ऐसा हो रहा, डबल सेंचुरी हो रहा है। दिमाग में नहीं था कि 200 हो गया है। तो अभी 190 के आसपास हुआ है। 200 सभा हम लोग कर चुके हैं। 200 विधानसभा में तो हम इससे भी ज्यादा 250 के आसपास जो है सभा हमने की थी। इस बार हम लोग को 250 पार कर जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि सातवां फेज में अभी बाकी है। और अभी आज 200 हो जाएगा। आपको 200 का केक का कुछ हम लोग कुछ नया करे, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं अभी? क्या ये भाईचारा वाला जो है ना, ये लोगों को मिर्ची लगना तय है। जो हम लोगों का दोस्ती बना, भाईचारा वाला जो कॉम्बिनेशन बना है, तो बिहार नहीं पूरे देश को मिर्ची लग रहा है। और बिहार की जनता के लिए नहीं, निश्चित तौर पे। और बिहार की जनता इतनी गर्मी में भी हम लोगों को सुनने आ रही है। उन सबका जो एक ख्वाहिश है, इस बार संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, गंगा जमीनी तहजीब, नौकरी के नाम पे महंगाई को हटाना और गरीबी को हटाने के लिए जो बिहार की जनता ने समर्थन दिया है, उन सबको धन्यवाद देते हैं। कितनी गर्मी में भी आप लोग आए, निश्चित तौर पे। और यही हमारी विचारधारा है, हम लोग अपने लोगों के लिए, गरीब पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे और जनता हम लोग साथ रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता को भी। और हमारे साथ संजय यादव जी भी है। तो साथियों और सभी हमारे जितने भी बिहार के जनता है जो हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, खास करके युवा महिला सभी को हमारे तरफ से, तेजस्वी जी के तरफ से आप लोगों को केक खिला रहे हैं। और जो लोग हमसे जल रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, उनको लिए भी हम लोग केक खिलाना चाहते हैं। मुंह मीठा कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम लोग का सरकार बनना है
और ये सरकार का उपलब्धि में आप लोग मुंह मीठा कीजिए और हम लोग हमेशा आपसे नफरत के बाजार को बंद करके और दोस्ती का बाजार हाथ बढ़ा रहे हैं आप लोगों के साथ। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।